गुरुवार को जिला महिला चिकित्सालय प्रसूताओं द्वारा नवजात बच्चों को स्तनपान किए जाने के संदर्भ में दिल्ली से ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया संस्थान की 4 सदस्यीय टीम ने जिला महिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टरों से जानकारी प्राप्त किया। टीम को अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर मंजरी टंडन और डॉक्टर राइमा सिद्दीकी ने जानकारी से अवगत कराया। टीम द्वारा प्रसूताओं द्वारा शिशु को स्तनपान के दौरान आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के बारे में बताया जाता है। बीपीएनआई की टीम में डॉक्टर शोभा सूरी, डॉक्टर जयप्रकाश, हेमंत और रंजन मुख्य रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीनियर सलाहकार डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा, हमारे प्रॉपर होनी चाहिए और हमारे जैसा कि मैंने देखा है बिहार वेल ट्रेन कि किस तरह से अटैचमेंट होगा बच्चे का, गुड अटैचमेंट और बैड अटैचमेंट में क्या फ़र्क है। दे आर ट्रेन कि गुड अटैचमेंट जो है बच्चा उसे निप्पल से सट के रहे, उसका थोड़ी टच हो, लोअर लिप इन्वर्टेड हो, माउथ पूरा खुला हो और एरियोला पूरा मुँह के अंदर हो, तो ये गुड अटैचमेंट है। इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करनी है, मिल्किंग करके और फॉर्मेशन को कोड फॉर्मेशन करने के बाद उसको कैसे टेस्ट करके निकालेंगे ये बताते हैं। दे आर ट्रेन, कई स्टाफ ट्रेन है, मैंने देखा क्योंकि मैं तो थोड़े दिन से हूँ, अभी अब देखना पड़ेगा कि आई एस ट्रेन है, आई वाई सी है, हमें इस प्रोग्राम से मैं वापस क्या क्या ट्रेनिंग देंगी आई वाई सी। इसकी मॉनिटरिंग होती है, सो डू यू हैव, डू यू मॉनिटर दिस, इसका कोई रिकॉर्ड हो गया था ये ऐसे है, अगर हम जानना चाहें कि आपका सपोज 100 डिलीवरी में अराउंड में जो सिक न्यू बॉर्न है अगर फ्री नहीं ले पा रहे हैं तो उनको सपोर्टिव रखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग आए हैं बच्चों में जो दूध पिलाया जाता है, खास करके जब वो पैदा होते हैं तुरंत, उसको देखने के लिए कि क्या यहाँ पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए। इनफैक्ट जो अभी देखा गया है हमारे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में भी, कि जो बच्चों का जो डिलीवरी है वो काफ़ी उसमें सुधार हुआ, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स के चलते, खास करके NHM नेशनल हेल्थ मिशन में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया गया, तो उसके चलते ये देखा गया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी काफ़ी बढ़ी हुई है हमारे यूपी में भी और दूसरे राज्यों में भी। लेकिन उसके तुलना में, चूँकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ करके जो पहले 20% 25% होती थी, अब वो बढ़ करके 80% पहुँच चुकी है, और गोरखपुर के ज़िले का भी जो नया सर्वे आया है, जो डेटा आया है NFHS, वो ही बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली 80% महिलाएँ, वो जो बच्चे हैं वो उनका जन्म अस्पतालों में हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम दूसरा जो इंडिकेटर है वो बताता है कि जो इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चे के दूध पीने के जो आधे घंटे के अंदर माँ के पास देना चाहिए, वो अभी भी बहुत कम है। सिर्फ 25% बच्चे जो लास्ट 3 सालों में पैदा हुए हैं उनको आधे घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाया जा रहा है, तो वहाँ पर ये एक गैप है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ा हुआ है, बच्चे अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, होम डिलीवरी को छोड़ दीजिए, अस्पताल में पैदा होने के बावजूद भी मात्र 25% ही बच्चों को तुरंत दूध दिया जा रहा है। तुरंत का मतलब आधे घंटे, डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर वो नहीं हो रहा है। उसी चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर गोरखपुर के महिला अस्पताल में आए हैं कि यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और क्या किस तरह से बच्चों को इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा रहा है। यहाँ मिला कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स, और हमने अपने जो देखा, जो लोगों से बातचीत करके पता चला है कि करीब करीब सभी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन कराया जा रहा है और जल्दी कराया जा रहा है। लग रहा है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जो मैंने डेटा बताया वो पूरे गोरखपुर ज़िले का है, और ये इस फैसिलिटी में यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। हम लोग वर्ल्ड बैंक की ये टीम है, और इस स्टडी को बेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रही है।